नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पोकेमोन द लास्ट फायर रेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्रीन से बैटल की थी और हम लोगों ने एक मेंबर से भी बैटल की थी यहाँ के। तो मैंने ना ट्रेनिंग के लिए थोड़ी मेंबर से बैटल कर ली थी और यहाँ के सारे लोगों से, जिससे कि वीडियो थोड़ी छोटी बन जाए। हालांकि तुम लोगों को छोटी वीडियो पसंद नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैंने बिल से भी बात कर ली थी और उसे पोकेमोन से इंसान बना दिया था और वो तुम्हें देगा ऐसे साइन टिकट जिससे कि तुम लोग जा पाओगे वर्मिलियन सिटी के शिप के अंदर। तो चलो चलते हम लोग अपनी मिस्टी को हराने। ओके, मैंने इसके नमूनों से भी बैटल कर लिया था। मैंने शुरुआत में अपने डाट्रिक्स को रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेस्ट रहेगा। ओके, अब हम लोग कर पाएंगे डायनामैक्स। तो फिर चलो करते हैं हम लोग डायनामैक्स। मैक्स ओवरग्रोथ सही रहेगा, मुझे पता ही है, एक ही हमले में निपट जाएगा। ओके, इसके पास जेड मूव है, बहुत बढ़िया। पर मुझ पे कोई असर नहीं होगा बच्चे। बाय बाय पैल्पिटोड। ये थोड़ी बुरी बात है क्योंकि इससे हमारे ओपोनेंट की थोड़ी सी एचपी बढ़ेगी और हमारी भी। ओके, फ्लेम बर्स्ट। ठीक है, हमने सिखा दिया। ओके, अब इसका पोकेमोन गैरडॉस है और शायद जहाँ तक मुझे लगता है ये इसे मेगा इवॉल्व करने वाली है। हाँ, कितनी बुरी बात है, मेगा इवॉल्व कर रही है, पर हम भी डायनामैक्स्ड हैं। ज़्यादा डैमेज नहीं होगा डायनामैक्स में हमको। अरे दोस्तों माफ़ करना, थोड़ी स्क्रीन इधर उधर हो गई थी, मैं अपना रोटेट ऑफ ऑन करना भूल गया था। अरे यार, थोड़ा डायनामैक्स और लंबा था, समय तक नहीं रह पा रहा था क्या? मुझे लगा ही था अभी सुपर पोशन यूज़ करेगी। इस बार तो लगता है हार जाऊंगा, जैसा सोचा तो वैसा ही हो रहा है। लेकिन मैं इसी वीडियो में इसको हरा के रहूंगा चाहे जो हो जाए। ओके, रिजल्ट ब्रूटल। ओह नो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि पोकेमोन अनबाउंड खेलना शुरू कर दूं। तो अगर तुम लोगों की इजाज़त है तो फिर मैं खेलना चाहता हूँ पोकेमोन अनबाउंड। और हाँ, टाइम टेबल कुछ ऐसा रहेगा, मतलब वीडियो का शेड्यूल, पोकेमोन द लास्ट वायरेड हम लोग अपलोड करेंगे मंडे टू फ्राइडे और संडे सैटरडे आएगा पोकेमोन अनबाउंड। अगर चाहिए तो फिर कमेंट ज़रूर कर देना क्योंकि मुझे भी वो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने एक बार खेला है। हालांकि पूरा नहीं खेला, बस थोड़ा शुरुआत का ही कुछ खेला था जहाँ तक वो हुपा आता है और हमें ले जाता है। पर हाँ दोस्तों, इस गेम की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तुम लोगों को भी वो ट्राई करना चाहिए। मेरे साथ खेलो या फिर किसी और के साथ खेलो, लेकिन हाँ खेलना ज़रूर। और हाँ दोस्तों, अगर तुम लोगों को उसका डाउनलोड वगैरह कुछ चाहिए, मतलब लिंक्स या फिर उसका मेथड, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बस ज़रूर से तुम्हारे कमेंट्स की, जो कि तुम लोग पता है कर ही दोगे। चलो मिस्टी जी, इस बार तुम्हारे पोकेमोन्स के ऊपर मेरा डाट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक खुफिया स्ट्रैटेजी। अगर डायनामैक्स ने साथ दिया तो फिर हो सकता है कि ये हो जाए। डायनामैक्स और होगा मैक्स ओवर ग्रोथ, जैसे कि हम लोग हर बार करते ही हैं। जेड पावर, फास्ट फॉरवर्ड में खेल रहे हैं फिर भी मूव्स में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, मैक्स ओवर ग्रोथ, जाओ और पैपिटोड को हरा दो। और हाँ दोस्तों, मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मेरे कुछ टेस्ट बस कुछ ही बचे हैं। मतलब सिर्फ दो ही बचे हैं जो कि कल और परसों तक ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं जितनी हो सके उतनी रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में, व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं, जैसे कि मैंने कहा था अपने 200 स्पेशल वाली वीडियो में।
ओके भाई, इसका क्रंच तो हम पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है। ओके कम ऑन, हरा दो, एक क्रिटिकल हिट पड़ जाए, बस एक क्रिटिकल हिट, कम ऑन। अरे गजब, हमने हरा दिया है मिस्टी के मेगा गैरडॉस को, और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे प्यारे डार्ट्रिक्स को। दोस्तों पता है, मैंने पोकेमोन बेंटाई की वीडियो देखी थी, उसने उन्होंने मेरा मतलब उन्होंने अपनी टीम में डार्ट्रिक्स को ना रखा, ये मुझे लगता है कि उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे माफ़ करना, मैं इतने बड़े यूट्यूबर को जज कर रहा हूँ, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उनकी टीम में अगर डार्ट्रिक्स होता ना, वो सिर्फ अपने एक ही पोकेमोन से मिस्टी के सारे पोकेमोन्स को हरा देते। और तो जैसे तुम लोग देख सकते हो, मेरा एक भी पोकेमोन भी अपनी फाइनल स्टेज में नहीं है, और मेरी उम्मीद तो यही है कि मैं इसको हरा दूँ अपने डार्ट्रिक्स से ही, क्योंकि डार्ट्रिक्स काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी हमें हेल्प भी कर रहा है, यहाँ तक कि अभी कर लिया के बाद जब तक वो गाड़ी और में इवॉल्व नहीं होता, वो किसी काम का नहीं है मुझे लगता है। और हाँ दोस्तों, मुझे भी कमेंट आए थे कि अपने पोकेमोन्स को मिर्ची से लड़ने से पहले फुल्ली इवॉल्व कर लेना, लेकिन देखते हैं हरा पाएंगे या नहीं, पर हराऊंगा तो मैं इसी वीडियो में इसको। ओके ठीक है, कम ऑन रेजोल्यूशन से हरा दो, इसका स्विफ्ट मेरे किसी काम नहीं, मतलब मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हा। अरे भाई ये तो जादू हो गया, एक बार लेवल अप हुआ और सीधा फुल डायनामो। मुझे पता ये बड़ा हो जाएगा, मतलब विशी वैशी रे तलीफ, और तुम जाओ। अरे बच गया, रेन डांस बढ़िया। तुम इसका ऐसे मूव्स किया कर जो कि मेरे ऊपर इफेक्टिव हो। ओके एक्वारिंग, कोई बात नहीं, चुन्नू चुन्नू हेल्थ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुझसे थोड़ा ना बच पाओगे। ओके इतना ज़्यादा रिकॉइल से कैसे पड़ जाता है, अच्छा ये हमारे लिए। ओके शायद इस बार लीफेज करते हैं, ये हार जाना चाहिए। ओके गाइस, हमने हरा दिया है मिस्टी को, जो कि थी सेवन सिटी के जिम लीडर। और ये बात, हमने हरा दिया है मिस्टी को, और मेरे पास है अपना बैज यानी कैस्केड बैज। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे सारे पोकेमोन्स हैं सेकंड स्टेज में। आज का मैन ऑफ द मैच है डार्ट्रिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।